are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। पेपल यूके में अक्टूबर 1 से क्रिप्टो परचेजेस को पॉज करेगा नए रूल्स के चलते। सिंगापुर का सेंट्रल बैंक स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस लॉन्च करता है एज अ ग्लोबल ट्रेल ब्रेजर। बैलेंस अगस्त 16 को क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज बंद कर देगा। यूएस ने क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज ने पावरफुल लॉबी ग्रुप बनाया है। सेल्सियस को एडजस्टेड बैंक्रप्सी प्लान क्रेडिटर्स को सेट करने की अप्रूवल मिलती है। बेस इकोसिस्टम के लेंडिंग प्रोटोकॉल्स वर्ल्डलैंड को स्कैम प्रोजेक्ट्स के रूप में डिटेक्ट किया गया है। कॉइनडेस्क ने अपने एडिटोरियल स्टाफ का 45% कट किया है एमिड सेल र्यूमर्स। आर्बिट्रम्स का लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस मार्च 2024 में $1 बिलियन के वर्थ के ARB टोकन्स रिलीज करेगा। 10 मिलियन मैट्रिक को एक घंटे में GSR मार्केट्स के थ्रू बाइनेंस पर शिफ्ट किया गया। G20 ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स को फाइनलाइज करने के लिए सेट है जब इंडिया प्रेसिडेंसी रैप अप करता है। हीलियम मोबाइल में मियामी में $5 अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया। वॉशिंगटन ने क्रिप्टो माइनिंग अपनी खुद की लॉबिंग वॉइस पता की। कस्टमर्स को दिए गए नोटिस के अकॉर्डिंग पेपाल ने अनाउंस किया है यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के नए रूल्स आने की वजह से ये इफेक्ट में आएगा अक्टूबर 1, 2023 को। पिछले साल के स्टेबल कॉइन्स इम्प्लोजन्स के बाद इंटरनेशनल लीडर्स ने ग्लोबल रेगुलेशंस और नॉर्म सेटअप करने की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज किया है, लेकिन सिर्फ कुछ ही ने इन मेजर्स को इनैक्ट करने की कंक्रीट स्टेप्स लिए हैं। सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी ने सिटी स्टेट में रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स के लिए वैल्यू स्टेबिलिटी इंश्योर्स करने वाले नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के फीचर्स अनाउंस किए हैं। बाइनेंस कनेक्ट जो बाइनेंस द्वारा एक ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है अगस्त 16 को बंद हो जाएगा। कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यह डिसीजन बाइनेंस के स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स के अलाइनमेंट में। बाइनेंस ने कहा कि वो मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस अप्रोच को मॉडिफाई करते हैं। रिसेंटली फॉर्म डिजिटल एनर्जी काउंसिल US क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक लॉबिंग ग्रुप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करने और फेडरल लेवल पर डिजिटल एसेट्स माइनिंग और एनर्जी पॉलिसीज पर काम करने का एम रखता है। रीसेंट रिव्यूज कवरेज के अकॉर्डिंग सेल्सियस अब अपने क्रेडिटर्स को एक एडवांस बैंक्रप्सी प्रपोजल इंट्रोड्यूस कर सकता है जिससे वो एक नए एंटिटी के ओनर्स बैंक कर सकते हैं। रीसेंट क्लाइंट्स को कुछ क्रिप्टो डिपॉजिट्स वापस लेने और फेरोनाइट ग्रुप जो US बिटकॉइन कॉर्पोरेशंस ब्लॉकचेन बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म्स एडवेंटन्स कैपिटा और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं का कंट्रोल लेने का मौका मिलेगा। बेस इकोसिस्टम के लेंडिंग प्रोटोकॉल्स वर्ल्डलैंड सीन से डिसअपीयर होने के एलिगेशंस का सामना कर रहा है जिसे इन्वेस्टर्स कंसर्न है। क्रिप्टो न्यूज आउटलेट द ब्लॉक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉइनडेस्क ने अपने एडिटोरियल स्टाफ का 45% लेट गो किया जब उसके पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप कंपनी का पार्शियल सेल प्रिपेयर कर रही है। DCG ने 2016 में कॉइनडेस्क को $5 लाख में परचेज किया था। कंपनी 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी। क्रिप्टो डेटा सोर्स टोकन अनलॉक्स द्वारा प्रोवाइडेड डेटा के अकॉर्डिंग इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस आर्टिब्रम नेक्स्ट ईयर मार्च में $1 बिलियन वर्थ के ARB टोकन्स अनलॉक करेगा। ये टोकन्स अनलॉकिंग के ग्रेजुअल अनलॉकिंग प्रोसेस को ऑफिशियल स्टार्ट मार्क करता है जो नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कंटिन्यू होगा।